अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हों। 17 जुलाई 2023 को दोपहर 2:32 पे न्यू मून कैंसर में होने जा रहा है। इसके तमाम जोडियक साइंस के लोगों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मून के, न्यू मून के जो सदकात हैं वो तमाम जोडियक साइन के लोगों के लिए अगर बताता चलूं, तो इसका सदका तमाम जोडियक साइन के लोगों के लिए एक ही रहने वाला है। और वो सदका ये है कि वाइट कलर की कोई भी चीज़ 1.25 किलो का वज़न फी शख्स के हिसाब से आप सदका कर सकते हैं। अगर आप न्यू मून की ड्यूरेशन में 1 घंटे के अंदर अंदर ये सदका करते हैं तो इंशाल्लाह आप तमाम बैड इफ़ेक्ट से बच जाएंगे जो न्यू मून के होंगे, और जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसका वो आपकी लाइफ के ऊपर इंशाल्लाह रहेगा। तो जुलाई 17 2023 को जो न्यू मून है इसके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे वो मैं आपके साथ कैलकुलेशंस को लेके शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से आपने अवॉइड करना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने करने की कोशिश करनी है। एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के मुताबिक जो भी इसके डू एंड डोंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है कि न्यू मून में आप इमोशनल हो सकते हैं, नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, तो आपने अपने किसी भी प्रॉब्लम के सामने सरेंडर नहीं करना, बल्कि थोड़ा सा हौसला दिखाना है। जो लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो अपनी प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए फेस करने का हौसला बनाए रखें, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व होने के करीब पहुंच जाएगी और सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। जो चीज़ आपने नहीं करनी वो ये करनी है, यानी एक चीज़ आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने दूसरे लोगों का बर्डन अपने कंधों पर नहीं उठाना, दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, दूसरे लोगों के मसाइल अपने मसाइल नहीं बना लेने, दूसरे लोगों की हेल्प करने के हवाले से इतना आगे नहीं निकल जाना कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएं। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। न्यू मून है, जुलाई का है, तो कैंसर के अंदर है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी लाइफ में चेंजेस के हवाले से आपको बिल्कुल तैयार रहना होगा। पॉजिटिव चेंजेस भी आपकी ज़िंदगी में आएंगी, नेगेटिव चेंजेस भी आएंगी, बट आपको चेंजेस के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। अच्छा, किन जोडियक साइंस के लिए पॉजिटिव चेंजेस रहेंगी, किन के लिए नेगेटिव चेंजेस रहेंगी, ये मैं वीकली होरोस्कोप में बताऊंगा, जिसकी वीडियो थोड़ी देर तक आपके साथ शेयर हो जाएगी। लेकिन आपने हर किस्म की चेंजेस के लिए इसमें तैयार रहना है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अलावा नए काम का आगाज़ करने की इस टाइम पीरियड में आपने कोशिश नहीं करनी, और अगर उसमें कोई कानूनी नुक्ता है तो उसको गौर व फिक्र के बाद ही आप फैसला करें काम करने का। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी में, स्पेशली जो लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब को स्विच करना चाह रहे हैं, नए कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिले करके चलना। एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश करनी है। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके, वो आवाज़ सुन के, उसकी पैरवी करके काम करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी और नेगेटिविटी से आप डे बाय डे बचते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है। बट एक चीज़ का आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बिला वजह लोगों के ऊपर चीखना धाड़ना नहीं है, इससे मामला बहुत ख़राब हो सकते हैं। न्यू मून है, इसमें सबसे अहम चीज़ आपने ये करनी है कि अपने ड्रीम वर्क को फॉलो करने की कोशिश करनी है, अपने ख्वाबों को अचीव करने की, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। इसमें आपको बहुत सारी आसानियाँ मिलेंगी और इंटरनल मोटिवेशन भी आपको मिलेगी। इसके अलावा इसके स्पिरिचुअल इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका, न्यू मून का, जो जुलाई के अंदर होने जा रहा है। 17 जुलाई को दोपहर 2:32 पे होगा ये। बट ये तमाम डिटेल्स वीकली होरोस्कोप की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।
दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।